हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी रोमांटिक मूवी को, जिसका नाम है रिस्की बिजनेस, जिसे डायरेक्ट किया था पॉल ब्रिकमैन ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम जोएल नाम के बंदे को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था। उसे जो अजीब सपने आते हैं इसके बारे में वो उन्हें बता रहा था। कल रात मैं अपनी नेबर के बेबी सिटर के साथ था। उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। उसका फ्रेंड जिसका नाम माइल्स होता है, वो उसे कहता है, कल रात मैं बहुत ही डर गया था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। माइल्स उसे एडवाइस देता है, कभी कभी लाइफ में आपको केयरफ्री रहना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेकर बोलना पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। जोएल के पेरेंट्स टाउन से बाहर जाने वाले थे। माइल्स कहता है, इस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने मत देना। जोएल के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो कहते हैं, जब हम वापस आए तब जैसा हम घर को छोड़कर जा रहे हैं हमें वैसा ही मिलना चाहिए, कुछ भी चीज़ों को हाथ मत लगाना। उसके फादर का एक म्यूजिक सिस्टम था जिसे उन्हें जोएल को छेड़ना अच्छा नहीं लगता था। जब जोएल के पेरेंट्स चले जाते हैं तब वो लाउड म्यूजिक में बहुत ही इंजॉय करता है। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के साथ था, तब उसे पता चलता है उसके एक फ्रेंड को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया है। वो और उसका एक फ्रेंड जिसका नाम बैरी होता है, वो ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए जिससे उनके ग्रेड इम्प्रूव होंगे। वो एक डिवाइस सेल करने वाले थे और उसी पर वो काम करने लगते हैं। तभी उसके घर पर उसका एक दूसरा फ्रेंड आता है। जोएल के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेकर आया था। वो दोनों ऊपर गए और इंटीमेट होने लग गए। उनकी आवाज़ें इन दोनों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए वो घर से बाहर चले जाते हैं। जोएल के फादर ने जोएल को मना किया था, लेकिन फिर भी वो उनकी पोस्ट कार निकाल कर ड्राइव करने लगता है। वो लड़कियों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे थे। सिग्नल पर एक गाड़ी उनके साथ होती है और वो उस गाड़ी के साथ रेस भी लगाते हैं। वो आज रात बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन जोएल का फ्रेंड माइल्स उसे मिलने आता है। वो कहता है, अब तुम्हारा घर खाली है और इस अपॉर्चुनिटी को तुम जाने नहीं दे सकते। वो न्यूज़पेपर में सर्विस प्रोवाइडर करने वाली लड़कियों को देख रहा था। जोएल इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाता, वो डर रहा था। लेकिन माइल्स ने डायरेक्टली कॉल कर दिया और उसने उन्हें रात में 8 बजे घर पर बुला लिया। जोएल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जोएल ने फिर से उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन सिर्फ मैसेज जा रहा था। उसने मैसेज कर तो दिया, लेकिन रात के ठीक 8 बजे उसकी डोरबेल बजती है। उसने दरवाज़ा खोला तो ये गेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली थी। जोएल गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो नहीं आता। वो आदमी कहता है, मैं इतनी दूर से आया तो तुम्हें सर्विस के लिए प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जोएल के पेरेंट्स उसे जो भी पैसे देकर गए थे, ये सारे पैसे उसे गे को देने पड़ते हैं। ज़्यादा टाइम ये आदमी उसे एक नंबर देकर जाता है और कहता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। रात को जोएल को गर्लफ्रेंड की नीड महसूस होती है। जो नंबर उसे मिला था उस पर वो कॉल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं लाना नाम की बंदी उसके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आती है। फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जोएल लाना से उसका चार्ज पूछता है। लाना कहती है $300, लेकिन जोएल के पास इतने पैसे नहीं थे। वो लाना से कहता है, मुझे बैंक में जाना पड़ेगा। लाना कहती है, मुझे ज़्यादा वेट करना अच्छा नहीं लगता। जब वो वापस आता है, लेकिन तब तक लाना जा चुकी थी। जोएल की मदर का एक एंटिक पीस वो अपने साथ लेकर गई थी। जोएल अब मुसीबत में पड़ जाता है। इस पीस को वापस लाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। वो सारी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड को बताता है। वो लाना को ढूंढते हुए एक होटल में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उसे नोटिस करता है। वो होटल से बाहर आती है और कहती है, जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चलो। लाना का मैनेजर उसका पीछा कर रहा था। जोएल कहता है, पहले तुम मेरा एंटिक पीस वापस करो। लाना उसे प्रॉमिस करती है कि जल्द से जल्द वो उसे वापस कर देगी। तब तक वहाँ पर लाना के मैनेजर पहुँच गया था और वो अपनी गन निकाल लेता है। जोएल ये देखकर डर जाता है और जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उनका पीछा करने लग जाता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जोएल बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है और अपनी स्पीड की वजह से वो उसे चकमा दे देता है। इसके बाद वो लाना से पूछता है कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। लाना कहती है, मैंने हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए उससे पैसे लिए थे। मैं उसके लिए काम करती हूँ, लेकिन अब नहीं करना चाहती। वो उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता था। जोएल ने उसे रात भर अपने घर में रहने तो देता है, लेकिन अगली सुबह उसे स्कूल जाना था तो वो उसे निकल जाने के लिए कहता है। लाना इसके लिए मना कर देती है, तब वो स्कूल चला जाता है। जब वो वापस आता है तब उसका एक फ्रेंड घर से बाहर निकल रहा था। जोएल उससे पूछता है, क्या लाना के साथ तुमने कुछ किया। उसका फ्रेंड कहता है, लाना के साथ नहीं, लाना की एक फ्रेंड उसके साथ थी जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। जोएल अंदर आकर कहता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। लाना उसका घर यूज़ करने के लिए उसे पे करने के लिए भी रेडी थी, पर जोएल उसके लिए मना कर देता है। वो दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। तभी लाना का मैनेजर ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ जाता है।
लाना और मैनेजर में फाइट हो जाती है। तब वो जल्दी से भागकर फिर से ज्वेल के घर के अंदर आ जाती है। मैनेजर से बात करने के लिए ज्वेल घर से बाहर आया। मैनेजर उसे धमकी देता है कि तुम्हें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता हूँ, तुम हर्ट भी हो सकते हो। ज्वेल कहता है मैं पुलिस को कॉल करूँगा, लेकिन फिर भी मैनेजर उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। लाना ज्वेल से कहती है कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारे पेरेंट्स के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं तुम्हें वो एंटिक पीस भी वापस कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं रात में लाना ज्वेल के पास आती है और कहती है क्यों ना हम एक ड्राइव पर चलें, और वो ड्राइव पर जाते हैं। लाना उसे एक बिजनेस प्रपोजल देती है। वो कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ही रिच हैं, मेरा भी एक अच्छा नेटवर्क है, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, इसके बदले में थोड़े दिनों के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहूंगी। ज्वेल इस पर कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे कहता है तुम ये काम क्यों कर रही हो। लाना कहती है मेरे स्टेप फादर मेरा फायदा उठाना चाहते थे तो इसी वजह से मैं घर से भाग आई। वो ये सब काम कर रही थी तो ज्वेल उसे जज कर रहा था, ये लाना को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ये हिल पर होते हैं, अचानक से गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो नीचे जाने लगती है। नीचे पानी था, ज्वेल ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो पानी में चली जाती है। अब वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुका था, अगर उसे इस गाड़ी को सेव करना है तो उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की वजह से उसने अपना स्कूल भी मिस कर दिया था, उसकी अटेंडेंस लग जाए इस वजह से वो स्कूल में भी बात करता है, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा था। और गुस्से में उसने उस लेडी की कॉलर भी पकड़ ली, जिसकी वजह से एक हफ्ते के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब वो भी फ्री था और उसे पैसों की ज़रूरत थी तो डायरेक्टली वो लाना के पास जाता है और उस बिजनेस को वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं। कस्टमर को हैंडल करने का काम ज्वेल का था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को लाना के पास लेकर आता है। इनका बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि घर में बहुत सारे लोग आने लग गए थे। ज्वेल की अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए इसलिए उसके फादर ने एक जुगाड़ किया था। उसके फादर ने डायरेक्टली इंटरव्यू लेने वाले आदमी को ही उसके घर पर भेज दिया था। जब वो घर पर आया तब ये सारी पार्टी देखता है। ज्वेल और वो शांति के लिए एक रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग थे तो हमेशा कोई ना कोई उन्हें डिस्टर्ब करता रहता था। लाना भी उनके सामने आकर बैठ जाती है। इंटरव्यू लेने वाला ज्वेल से पूछता है तुम आगे क्या करना चाहते हो। ज्वेल कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ज्वेल की परसेंटेज अच्छी नहीं थी इसलिए वो उससे पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। ज्वेल कहता है कभी कभी लाइफ में आपको कहना पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा। वो ज़्यादा इस बात के बारे में केयर नहीं करता। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद इंटरव्यूअर वहीं रुकता है और वो पार्टी को एंजॉय कर रहा था। लाना ज्वेल के पास आती है। ज्वेल कहता है ये सारी चीज़ें बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बहुत सारे पैसे बनाए हैं और तुमने प्रूव किया है कि तुम एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। लाना आज रात ट्रेन में ज्वेल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी इसलिए दोनों ट्रेन में चले जाते हैं। लोगों के जाने के बाद वहीं पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब ज्वेल के पास पैसे आ गए थे तो वो अगले सीन में अपने फादर की कार लेकर आता है। वो घर पर वापस आया तो घर का सारा सामान गायब था। उसे लगता है लाना ने ही ये सब चोरी किया है। वो उसके घर पर कॉल करता है लेकिन लाना का मैनेजर वहाँ पर पहुँचा हुआ था। एक्चुअल में लाना के मैनेजर ने ही उससे बदला लेने के लिए उसका सारा सामान चोरी कर लिया था। ज्वेल बहुत ही मजबूर था क्योंकि आज ही उसके पेरेंट्स वापस आने वाले थे। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है और मैनेजर सारा सामान लेकर वापस आ जाता है और ज्वेल के पास जो भी पैसे होते हैं वो उसे मैनेजर को देने पड़ते हैं। लाना के साथ उसने जो भी बिजनेस किया उसमें उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। उसने अपने सारे फ्रेंड्स की हेल्प ली और घर पहले जैसा बना दिया। उसे अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट पर पिक करना था लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देता है। वो जब घर पर पहुंचे तब वो सामान ही लगा रहा था। फाइनली वो सारा सामान जैसा था वैसा लगा देता है लेकिन उसकी मदर ने अपने एंटिक पीस पर एक स्क्रैच देखा। ये उसे अच्छा नहीं लगता जिसे लेकर वो उस पर गुस्सा थे, पर ज्वेल को इस छोटी चीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने जो भी किया इस बात से वो प्राउड था। कुछ टाइम बाद उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला वो आदमी तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। ज्वेल को लगता है उसके फादर को सब कुछ पता चल चुका है लेकिन वो एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता था और इंटरव्यू ने देख लिया था वो अच्छी तरह बिजनेस कर रहा है और इसी वजह से उसका एडमिशन हो चुका था। और उसके फादर भी बहुत खुश थे। वो कहते हैं कभी कभी लाइफ में आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूवी में कुछ टाइम बीत चुका था। ज्वेल लाना से मिलता है और पूछता है कि सारी चीज़ें सेटअप थी, क्या तुम मेरा यूज़ कर रही थी। लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इन्होंने फिर से ये रात साथ में बिताई। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।